चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बालाघाट जिला अजब है और यहाँ के पदस्थ अधिकारियों का फरमान गजब है। मामला मध्य प्रदेश वेयर हाउस यौ लांजी कारपोरेशन के गोदाम का सामने आया है, जहां के अधिकारी ने चौकीदार को यह कहकर नौकरी से निकाल दिया कि वह मुर्गा पार्टी में शामिल नहीं हुआ। इससे लगता है कि उक्त अधिकारी की दादागिरी कहे या तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। जानकारी अनुसार बता दें कि गोदाम की चौकीदार के पद पर पदस्थ प्रेमलाल बावनतड़े है। चौकीदार ने बताया कि गोदाम प्रभारी मंगेश साखरे के द्वारा एक माह पूर्व 30 मई को ग्राम कालीमाटी के वेयरहाउस में मुर्गा पार्टी रखी गई थी। उसी पार्टी में शामिल नहीं हुआ तो गोदाम प्रभारी मंगेश साखरे ने उसे नौकरी से निकाल दिया। जब चौकीदार कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई में शिकायत करने जा रहे थे, तभी उसे रास्ते में बस से उतार दिया और कहा कि नौकरी में पुनः लिया जाएगा, लेकिन अब तक नौकरी में नहीं रखा गया है, जिससे चौकीदार बेरोजगार हो गया और परिवार की जीविका चलाना मुश्किल हो गया है। जानकारी अनुसार बता दें कि मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लांजी कारपोरेशन के अंतर्गत आने वाले गोदाम के गोदाम प्रभारी मंगेश साखरे के नेतृत्व में काम कम और आए दिन मुर्गा पार्टी होती रहती है। यह गोदाम प्रभारी मंगेश साखरे किन्नापुर में पदस्थ है। बताया जाता है कि चौकीदार प्रेमलाल बावनथड़े वर्ष 2014 से लगातार सेवाएं देते हुए आज 9 साल हो गए हैं। अब ऐसे गोदाम प्रभारी के फरमान ने जिला प्रशासन को सोचने में विवश कर दिया है। जो कि कर्मचारी लापरवाही करते हैं तो उन्हें सजा दी जाती है, लेकिन यह तो मुर्गा पार्टी में नहीं आने से सजा दे दी गई। फिलहाल यह विषय जांच का है, आखिर क्यों चौकीदार को निकाला गया। लांजी से पवन कश्यप। सर आपका परिचय? मैं मंगेश साखरे, ब्रांच मैनेजर लांजी। सर ये बावनथड़े, क्या नाम है? प्रेमलाल बावनथड़े। ये आपके यहाँ गोदाम में क्या काम कार्य पे ये थे? अकुशल आरबी एसोसिएट के थ्रू दैनिक श्रमिक है। कार्य हमारे पास कम हो गया है तो उस चक्कर में अभी इनको निकालना पड़ेगा। तो सर ये प्राइवेट थे कि सरकारी थे? ये अकुशल आरबी एसोसिएट के प्राइवेट कंपनी है ना। तो सर आपको इनको निकालने का अधिकार है क्या? हाँ जी, कार्य क्षमता यदि कम होगी तो हमें निकालने का आदेश है। तो फिर इनके प्राइवेट जो है मेन इनके बॉस लोग वगैरह, इनको ये किसके आधार पे काम करते हैं फिर? ये आरबी के थ्रू उपलब्ध है, मतलब दैनिक श्रमिक। तो सर अधिकार तो आरबी को हटाने का है ना इसको? नहीं तो हमारे पास यदि काम नहीं तो हमने उसको सूचना भेज। हाँ, सूचना दे सकते हैं सर, हटाने का तो नहीं ना? नहीं, हमें कार्य नहीं मतलब करना है तो उसकी सूचना आरबी को दे। कितने लोग हैं सर जो कर रहे हैं आरबी के तहत यहाँ पे? हमारे यहाँ पे भी 7 लोग और हैं। तो इनको किस बेस पे हटाया गया सर? हमारे पास काम कम हो गया। हाँ तो इन्हीं को क्यों हटाया गया? इनके नाम से क्या लेटर जारी हुआ था सर? अंतिम उपस्थिति के आधार पे अंतिम नाम इसमें है, उपस्थिति रजिस्टर के आधार पे। अच्छा, यानी ये पहले इनकी नियुक्ति हुई थी? बाद में इनकी नियुक्ति बाद में हुई थी। तो सर कार्य अभी नहीं है इसलिए इनको निकाल दिया गया। तो सर क्या ऐसे सभी मजदूर को, यानी जो यहाँ काम करते हैं, तो इनको ऐसे ही निकाल दिया जाता है काम नहीं रहने? जी, कार्य क्षमता कम होने पर जो है अस्थायी कर्मचारी को निकाल। इनको हटाने के लिए किसका आदेश जारी हुआ था सर? हमारे पहले भी जारी हुआ है, ये पहले भी होता है, हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक या एचओ के दोनों के आदेश है। तो ये बावनथड़े को हटाने के लिए आदेश जारी हुआ सर? बावनथड़े पर्टिकुलर नहीं, जो उपस्थिति में अंतिम है उसको हटाने का आदेश है। तो उसके जगह पे फिर किसको लिया गया सर? अभी लिया ही नहीं ना हमने, खाली जब हमारे पास क्षमता कम हो रही है तो हमें लड़के हटाना है। तो इन्हीं को हटाया, किसके बाद और किसी को भी हटाना? अभी और किसी को नहीं हटाया, एक ही को हटाना। ठीक, क्या नाम है तुम्हारा? प्रेमलाल बावनथड़े। कहाँ के निवासी हैं? फोपसा। यहाँ किस काम के लिए वेयर हाउस में यहाँ पे आते हैं आप गोदाम में? वेयर हाउस में नाइट में आता था काम करने। क्या काम करते थे आप? देख रेख करता था। अच्छा, किसके थ्रू रखा गया था आपको यहाँ? पहले तो विपंग संघ से था, फिर यहाँ RBI वेयरहाउस आया, वेयरहाउस के बाद में RBI वहाँ लिए गए। तो क्या हुआ कि हटा दिया गया आपको? हटाने का कारण कोई समझ में नहीं आया। 30 तारीख को बुलाए। किसने तो बुलाया था? साखरे साहब ने। कौन है साखरे? कुछ अभी बात किए हो। किस पद पे है? प्रभारी, गोदाम प्रभारी। हाँ, फिर क्या बोला गया? तुमको कल से बंद किया जाएगा। मैंने बोला क्या कारण है?
तो कारण में कुछ नहीं बताया, वो उधर से ऊपर से आदेश आया है ऐसे बोले। तो आप यहाँ से कितने सालों से काम कर रहा है? मैं तो पांडुगिरी में था, 14 से काम कर रहा था, और फिर वहाँ से काली माटी भेजे, काली माटी में नाइट में जाता था, और फिर मैं यहाँ के पूछा तो पांडुगिरी में दूसरा लगा दिया ऐसा बोले। लगभग कितने वर्ष हो गए आप यहाँ काम कर रहे हैं? 10 साल हो गए। तो आपको तो पूरा नॉलेज होगा काम का। नॉलेज के तो ऊपर लिए थे, वहाँ फार्म भरे थे, तो अनुभव 14 से अनुभव कैके लिए थे। तो ये यहाँ से गोदाम प्रभारी से क्या आपकी बनती नहीं, जो आपको पर्सनल हटाया गया? पर्सनल वही है कि मैं इनकी पार्टी हुई थी काली माटी गोदाम में। काय की पार्टी? मांस मटन की। तो मैं रामायण में था। और किसने पार्टी किया था? इन्हीं ने किए थे। कौन कौन था उस पार्टी में? पूरे सातवाद। अच्छा, यानी वहाँ पे दारू मटन मुर्गा बनी थी पार्टी में। तो फिर तो उसमें मैं सम्मिलित नहीं हुआ, मैं रामायण में था। अच्छा, आप रामायण में थे। फिर उसके बाद में 2-4 दिन के बाद में मेरे को यहाँ बुलाए, डायरेक्ट खाना खा रहा था, उतने समय फ़ोन किए कि तुमको लांजी आना है। लांजी में आया तो बोलते कल से बंद। तो मैंने बोला, फिर बोले काली माटी ये अपना किरणापुर जाओगे क्या? तो मैंने बोला दिन में दोगे तो जाऊँगा, नाइट में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं गाड़ी उतनी चला नहीं सकता। और मैं बोला 150 रुपये लग जाएंगे जाने आने, तो मेरे को क्या पूरा आएगा, तो मेरे को कहीं दे दो इधर, नाइट दोनों दिन दो। बोला नहीं, बोल दिए, मना कर दिए। फिर दारू की पार्टी में आपको बुलाने के लिए किसका फ़ोन आया था? उन्हीं साहब का चाहिए था, यानी ये गोदाम प्रभारी साकरे जी का। हाँ। अच्छा, तो मैं बोला मैं रामायण में हूँ, नहीं आ सकता। तो उसके कारण आपको हटाया गया है? हाँ, कारण वही दिखता है। अच्छा, तो आपने ऊपर अधिकारी को बताए थे कि बालाघाट में कुछ? बालाघाट में साहब को बताए थे। कौन से साहब? जो अभी फ़ोन किए थे, पट्टे साहब। तो मैंने बोला हटाने का कारण वो चाहिए, इनके पार्टी वार्टी में नहीं गया मैं। तो उनने बोले कल से इनको ले लोगे, तो इनने फिर मेरे को वहाँ से वापस लाए कि चलो कल आ जाना करके। और फिर फ़ोन किया शाम को, तो बोलते हैं नहीं लेते। बोलिए, एक दारू की पार्टी में नहीं आने के कारण आपको हटा दिया गया। कहाँ हुई थी पार्टी? काली माटी गोदाम, काली माटी वेयर हाउस में। हाँ, ठीक। काली माटी में आप बता रहे हैं कि वेयर हाउस में गोदाम प्रभारी के द्वारा दारू के और मांस मटन की पार्टी की गई थी, तो उसमें कौन कौन थे पार्टी में? साखरे जी थे, साखरे जी थे, और चैन सिंह, ओम प्रकाश, शुभम। चैन सिंह ओम प्रकाश कौन है? वो थे काम। अच्छा, शुभम और देशमुख था। अच्छा, तो ये गोदाम प्रभारी हमेशा आए दिन पार्टी करते रहते हैं क्या? मेरे को तो एक ही बार, अभी तो 1.5 महीना हुई जाए थे। ये नया अभी 1.5 महीने हुए। कहाँ से आए हैं? भला, ये किरणापुर से। किरणापुर कब हुई थी पार्टी? 30 तारीख को। 30 तारीख को, 30 मई को ना? ठीक। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।